सवाल है। चलिए आज कुछ रोजगार से संबंधित बात करते हैं। आज हम बात करेंगे UPPCL में आए वैकेंसी के बारे में, जो टोटल 4106 है। उत्तर प्रदेश में आए पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th होना चाहिए, और प्लस आपके साथ उसमें ITI ये भी होना चाहिए आप टेक्निकल ग्रेड में, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th लोगों के लिए ही है, जो इंटर किए हुए हैं उनके पास भी अगर ITI का है, डिप्लोमा है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रोसेस है। पहला है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे जो वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है बेसिक स्किल टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका अगर उसमें जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं तो उनका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ़ी स्ट्रक्चर की। तो फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जनरल और OBC इनके लिए 1000 फ़ी है, और अगर बात करें ST SC के लिए तो उनके लिए फ़ी 700 है। अब ऑनलाइन अगर बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो CBT में इससे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो CBT की अगर बात करें तो इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स में आपका पहला होता है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, जो आजकल सभी एग्ज़ाम में नेसेसरी हो गया है। तो ये है, तो ये इसमें आपके सिर्फ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 20, और आपका मार्क्स भी ईच के लिए सारे क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है, तो 20 मार्क्स का हो गया। फिर आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो होता है वो आपका 10th लेवल पे होता है। 10th लेवल के इंग्लिश और हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं और पैसेजेस से क्वेश्चन आते हैं, जो आपका होता है 15 मार्क्स का। और अगर बात करें 4th सब्जेक्ट, तो ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज होता है। आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उसमें आपने जो भी सब्जेक्ट से अपना टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं। टोटल आपका हो गया 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के आते हैं। तो ये इसका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना नहीं भूलें प्लीज़। थैंक यू।